आपने शार्क टैंक में बहुत सुना होगा भैया, आपका R&D क्या है? हाँ जी, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या, आपके पास पेटेंट कितने हैं, ट्रेडमार्क क्या? वैसे तो आज हमारा देश का यूथ भी साइंटिस्ट बनना चाहता है, R&D में बहुत जाना चाहता है। आप कैसे जा सकते हो भैया R&D के अंदर? वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब नहीं कर सकती, नया नया प्रोडक्ट बनाओगे भैया? मेरे को जो है एरोस्पेस पे रिसर्च करना है, मेरे को मिसाइल इंजीनियरिंग, सैटेलाइट, नहीं जो रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करते हैं, ये BSMS। वैसे देश के अंदर इंस्टीट्यूट भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे खोले हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, आईसर, नाइसर, IAST, IASC बेंगलोर। अब वैसे तो JEE एडवांस में टॉप करने वाले बच्चे भी आजकल तो IASC जा रहे भैया। आप 12th के बाद में कैसे आईसर ज्वाइन कर सकते हो भैया? नाइसर, IASC, CMI, ISI क्या है ये इंस्टीट्यूट, कैसे इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट कैसे होता है, इनके लिए करना क्या पड़ता है, क्या प्रोसेस है? हम NIT ज्वाइन करें, IIT ज्वाइन करें, आईसर जाएं, IASC जाएं, या फिर लल्लूलाल कॉलेजों में जाएं, क्या करें भैया? इंजीनियरिंग कॉलेजों में तो बहुत बेरोजगार लोग घूम रहे हैं आजकल, हाँ जी, 4 साल की BTech के बाद अब बेरोजगार, हाँ जी बेरोजगार, गवर्नमेंट दे दो हमको कुछ, दे दो खाने के लिए। अब लेकिन हम क्या करें, हम अपनी जॉब कैसे सिक्योर करें भैया? ये नए नए मोबाइल हो गए, ये चिप्स हो गई, इंटरनेट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गई, कौन डेवलप करता है ये? वैसे R&D डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा विजन। आप कैसे अपना करियर बनाओगे इसके अंदर? डोंट वरी, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जीरो से लेके लास्ट तक, कैसे क्या होता है भैया R&D के अंदर, क्या पढ़ाया जाता है, कौन सा कोर्स होता है, कितनी फीस लगती है, कौन सा बेटर है, IIT, IASC, आईसर, नाइसर, ISI, CMI, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहीं। इसलिए कोई नहीं आपके टक्कर में, पढ़े हो किस चक्कर में, आज जरूर से जाके आप इनरोल कर सकते हैं।